नमस्कार। चैप्टर 9 बल और गति हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने पिछली क्लास तक हमने ग्राफ पढ़ रहे थे हम, और हमने ग्राफ बनाया था। उस ग्राफ में हमने देखा था कि यदि कोई वस्तु असमान त्वरण से चल रही है ना, उसकी वेग अलग अलग है, तो पहले तो हमने माना कि वो समान से चल रही थी। इस तरह से ये लिया था हमने, पहले पहला चित्र बनाया था हमने, ठीक है। यहां पर तो लिया था हमने समय, और यहां पर हमने लिया था वेग। अब हम मान रहे हैं कि वो असमान वेग से वस्तु चल रही है, तो फिर हमने दूसरा ग्राफ इस तरह से बनाया था, और इसको हमने यहां पर इस तरह से मिला दिया था। दूसरा हमने ये ग्राफ बनाया, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहां पर हमने बिंदु बना रखा है ओ ए बी सी और डी, इस तरह से। ये जो हमारा था, ये पहले वाला था ओ ए बी सी, और फिर ऊपर हमने बना दिया था डी वाले ग्राफ के लिए दूसरा जो बनाया था हमने ग्राफ। अब हमने पहले जब हमने देखा था कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल था, वो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी को बता रहा था। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, यहां तक की बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे। और पिछली क्लास में हमने एक चीज और देखी थी, वो देखा था हमने त्वरण के बारे में, कि त्वरण क्या होता है। और त्वरण का सूत्र हमने देख लिया था कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यदि कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग, उसका अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, उनका अंतर हम निकाल लें, और उस जो वेग में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन में लगने वाले समय को, उस समय से हम उसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद हमें पता चला था कि हम वहां पर उसका, उस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर हमें पता चल गई थी। अब हम बात करते हैं गति के समीकरणों की। तो देखो, न्यूटन के द्वारा गति के तीन समीकरण दिए गए। न्यूटन के द्वारा गति के कुल तीन समीकरण दिए गए थे, जिसमें से पहला जो समीकरण था उसका नाम पहला समीकरण ही था। पहला समीकरण हम देखते हैं त्वरण से, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण का सूत्र हमने पढ़ रखा है। ए बराबर वी माइनस वेग में परिवर्तन, और परिवर्तन में लगने वाला समय। तो यहां से देखो, पहला समीकरण कैसे आएगा, ए टी बराबर वी माइनस यू, और यहां से अगर मैं इसको वेग की फॉर्म में लिखूं तो वी बराबर यू प्लस ए टी, ये आएगा पहला समीकरण। अभी ऐसा कैसे आया, उसके लिए थोड़ा सा हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, एक पक्षांतरण का काम किया है। ए टी बराबर वी माइनस, देखो इस ए और टी को मैं इधर ले आया, और v माइनस यू यहां पर है ही। फिर मैंने इसको क्या किया कि मैं इस v को इधर ले आया और at को इधर ले गया, यही तो किया मैंने। देखो मैं v को इधर लेके आ रहा हूं, इसमें देखना थोड़ा सा आप, दोनों को आप एक साथ कर देता हूं, v को इधर ले आता हूं और at को इधर ले जाता हूं, तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस यू माइनस at, यही है माइनस v इज इक्वल टू माइनस यू माइनस at। देखो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये माइनस, अब इसको माइनस से दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, तो v बराबर पूरा पूरा माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस at। तो समीकरण यहां पर ये बना हुआ है। ये है गति का पहला समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, ये जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, v बराबर u प्लस at। यहां पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ए रेखीय त्वरण है, और टी समय है, ठीक है। अब आती है बात गति का दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण। देखिए, हम दूसरे समीकरण से यहां पर हम निकाल रहे थे दूरी, इस वाले ग्राफ से हमने निकाला था। तो दूरी क्या होगी, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस इसका क्षेत्रफल। तो s बराबर ut, इसका तो क्षेत्रफल आया था ut, ठीक है, क्योंकि देखो हमने क्या हमने देखा था कि यहां से यहां तक तो उसका वेग है u प्रारंभिक वेग, और बाद में उसका वेग हो गया है v, ये है उसका अंतिम वेग।
ये प्रारंभिक वेग, v उसका अंतिम वेग, इसका क्षेत्रफल ये समय है t, तो u क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये तो हो गई लंबाई t और ये होगी उसकी चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल आ गया। इसका होता है एक बटे, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो आधार गुना ऊंचाई, तो एक बटे दो एटी स्क्वायर, ये आता है इसका क्षेत्रफल। जब हम निकाला, जब हमने सॉल्व करके देखा ना, पिछली क्लास हमने सॉल्व करके देख लिया था, तो उसका क्षेत्रफल ये आया था एक बटे दो एटी स्क्वायर। बना ले आप, कर ले जल्दी से। अब गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, वो बताएगा हमें दूरी को, और दूरी को लिखते हैं हम एस से, तो एस बराबर यूटी प्लस एक बटे दो एटी स्क्वायर, यूटी प्लस एक बटे दो एटी स्क्वायर, ये हम सॉल्व पिछली क्लास में कर चुके थे। ठीक है, आप चाहे तो अभी भी यहां पर इसको करके देख सकते हैं। तो गति का पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों आप लिख ले, फिर हम तीसरे की भी बात कर लेंगे। अगर मैं इसको छोटा सा सॉल्यूशन इसका करूं मैं सॉर्ट करके, तो देखो कैसे होगा, सॉर्ट करके अगर किया जाए तो दूरी s बराबर, ये तो ut हो गया, प्लस एक बटे दो, ये जो है ना ये है v माइनस u, ये वाली दूरी, ये वाला वेग होगा v माइनस u। ठीक है, और टाइम तो वहां पर हमने ले ही रखा है, तो एक बटे दो आधार t और ऊंचाई v माइनस u। ठीक है, अब हमें पता है कि a बराबर v माइनस u अपॉन t, ये हम जानते हैं, यहां से at बराबर v माइनस u, इसका मान at बराबर v माइनस u, यहां से मैं निकालूं v माइनस u बराबर at, एक ही बात है ना, कोई डिफरेंस थोड़ी है, अरे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, तो v माइनस u बराबर at, इस v माइनस u की जगह पर रख दो at, कितना शॉर्ट हो गया, s बराबर ut प्लस एक बटे दो t इंटू at, तो s बराबर ut प्लस एक बटे दो at स्क्वायर, ये लो ये आ गया, ये दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, तो ये है गति का दूसरा समीकरण। अब सारी चीजें मैं लास्ट में लिखूंगा एक साथ, अब मैं बता देता हूं, s यहां पर दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, एक बटे दो राशि है, स्थिर राशि स्थिरांक, a त्वरण है और t लिया गया समन, और त्वरण कौन सा, रेखीय त्वरण है at। ठीक है, अब आती है बात गति के तृतीय समीकरण की, तो आप पहले इसको दूसरे को लिखें फिर हम तीसरे की बात करते हैं। देखो तीसरा समीकरण हम इस दूसरे समीकरण से ही निकालेंगे, यहां हम t की वैल्यू रखेंगे, t दिख रहा है ना आपको समय, हम यहां समय का मान रख देंगे और वहां से समय को हटा देंगे। आप तीनों समीकरण जब देखें तुलना करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक समीकरण में दूरी की बात नहीं आ रही है, दूसरे समीकरण में अंतिम वेग की बात नहीं आ रही है, तीसरे समीकरण में समय की बात नहीं आ रही है, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। देखो यहां राशियां कितनी है, तीन भौतिक राशियां, तीन समीकरण क्यों बने, उसका कारण है हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, अब हमें इनमें से ध्यान सुनना आप, ये बहुत जो फिजिक्स के जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें क्या क्या चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कई कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो हम प्रश्न को देख के सॉल्व कर सकते हैं। जब आप कंप्लीटिव एग्जाम्स में जाएंगे ट्वेल्थ पास करके ग्रेजुएशन करने के बाद, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे छोटे लेवल के लिए एलडीसी का एग्जाम हुआ, कॉन्स्टेबल का एग्जाम है, और इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उन लेवल की बात तो ट्वेल्थ के बाद शुरू हो जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद फिर और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, या तीन भौतिक राशियां हैं, चाल दूरी और समय, हमारे पास तीन भौतिक राशियां हैं, इन तीन भौतिक राशियों में से हमें दो भौतिक राशियों का पता होना चाहिए तो हम तीसरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी दो भौतिक राशि पता है हम तीसरी ज्ञात से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब यही होता है समीकरण में। अब
यहां देखिए आप, यहां कहीं भी दूरी की बात नहीं है, दूरी की बात नहीं है। यहां देखो चार समय और त्वरण लिखा हुआ है, इसका मतलब दो भौतिक राशि को गौण किया गया, एक भौतिक राशि गौण किया गया, एक मिलेगी, एक सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको त्वरण देना पड़ेगा, त्वरण की आपको त्वरण का मान हमें आवश्यक है, ठीक है। अगर हमें वी निकालना है तो यू चाहिए, त्वरण चाहिए और टी चाहिए। इसी प्रकार से यहां देखो, यहां आप देख रहे होंगे अंतिम वेग की कहीं भी बात नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंतिम वेग जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दूरी नहीं है कहीं भी। और जो तीसरी क्वेश्चन आएगी ना, उसमें आप देखेंगे वहां पर समय के बारे में बात नहीं की जाएगी, वहां वेग पूछा जाएगा या त्वरण पूछ लिया जाएगा या दूरी पूछ ली जाएगी, इस तरह से होगा। तो देखते हैं समीकरण कैसे आएगा। देखो इससे करेंगे हम समीकरण दो से, समीकरण दो से हमें पता है कि a बराबर v माइनस यू अपॉन टी और t बराबर v माइनस यू अपॉन a, ये हमें पता है। तो समीकरण दो से हमने आगे बढ़ेंगे, पहले मैंने ये ज्ञात वाली चीज लिखी है कि t बराबर v माइनस यू अपॉन a। अब इस t का मान समीकरण दो में हम रखेंगे, t का मान समीकरण दो में रखेंगे। देखो रखते हैं, यहां रखता हूं मैं, तो s बराबर u इंटू v माइनस यू अपॉन a प्लस एक बटे दो a इंटू v माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल चीज। आगे देखो s बराबर, इसको मल्टीप्लाई किया, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस एक बटे दो, या मैं लिख दूं वन अपॉन टू, आ रहा है नीचे कर ले आप, v माइनस यू अपॉन a रह रहा है, यहां ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a अपॉन टू इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू बी अपॉन ए स्क्वायर। ये मैंने v माइनस यू का होल स्क्वायर यहां पर लिखा है। देखो मैं इसको दोबारा कर रहा हूं यहां से, s बराबर u इंटू वी माइनस यू अपॉन a प्लस एक बटे दो a v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर, ये है इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, s बराबर यू वी, यू से इसको गुना किया और एक बार इसको किया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस ए बटे दो इंटू इंटू, ये ना ये सारा, तो देखो क्या आएगा इंटू में, यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब क्या होगा, अपॉन ये टू कहां से आ गया, यही रहेगा ना, ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बनेगा, एस बराबर यू बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू बी अपॉन टू ए, यहां तक आ गया अपन। टू ए यहां से हम कॉमन ले लेंगे, एलसीएम कॉमन नहीं, 2a एलसीएम इससे जब करेंगे तो दो बार जाएगा, तो 2ub माइनस, ठीक है, 2u स्क्वायर इसका काम खत्म, प्लस इधर ये किया ही आएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub। क्लियर, ये है s, 2ub से 2ub गया और 2u स्क्वायर है, इधर u स्क्वायर है तो माइनस का u स्क्वायर बचेगा, तो s बराबर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो 2as बराबर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इस u को इधर ले जाओ
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये लो ये इक्वेशन आ गई, ये थर्ड लिख ले। वी स्क्वायर बराबर गति का तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। सॉल्यूशन पूरा यहां आपके सामने मैंने कर दिया, पूरा कर दिया उसको, है ना, एलोबरेट करके। यहां कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि हमें क्या मिलता है, ये मिलता है और इससे सीधा ये मिल जाता है, क्योंकि वो दो स्टेप वहां बीच में मिस हो जाते हैं। ठीक है, अब इनकी ये जो यहां पर भौतिक ये जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, इन सिंबल्स का मैं डिटेल लिख देता हूं, कौन सा सिंबल क्या है। देखो U बराबर जहां U इज इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, V है अंतिम वेग, T है समय, A है त्वरण और S है दूरी। ये लो सारी चीज आ गई, एक दो तीन चार और पांच यूनिट है, यहां पर पांच सिंबल्स हैं, पांच के पांच आ गए। अब ये त्वरण है, लेकिन कैसा त्वरण है, ये रेखीय त्वरण। अब मान लो आपसे कह दिया जाए कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर छत से मैंने गिराई और उसमें मैंने समय नोट कर लिया, तो आप दूरी पता करें, तो क्या कर सकते हैं हम। देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक घड़ी चाहिए, बस एक घड़ी चाहिए और एक कोई पिंड चाहिए। उस पिंड को लेकर के आप किसी भी ऊंचाई के ऊपर चले जाएं, वहां से उस पिंड को आप छोड़ें, जैसे आप उसको छोड़ेंगे, छोड़ते समय आप नोट कर लें टाइम, और जैसे ही वो पृथ्वी की सतह से या जहां भी जहां तक की आपको हाइट पता करनी है उस तल तक जैसे ही वो पहुंचे, वो आप उसका अंतराल नोट कर लें, समय अंतराल, और उस सिर्फ उस समय अंतराल से आप उस बिल्डिंग की या पेड़ है कोई भी वस्तु है उसकी आप हाइट पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे करेंगे। हो गए तीनों समीकरण, अब मैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके लिख रहा हूं। जब रेखीय गति हो तो ये वाले, ठीक है, और जब ऊर्ध्वाधर गति हो तो v बराबर u प्लस माइनस gt, s बराबर ut प्लस माइनस gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gs। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यह कब प्लस काम आएगा और कब माइनस काम आएगा वो हम बात करेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
देखिए जब ऊर्ध्वाधर गति हो तो यहां जहां जहां आपको ए दिख रहा है ना, उस ए को मैंने रिप्लेस कर दिया है जी से, और जी है गुरुत्वीय त्वरण। ए को मैंने जी से रिप्लेस कर दिया है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहां मैं और बाकी चीज आपको बताई है, जी के बारे में लिख देता हूं। जी है गुरुत्वीय त्वरण। अब हम बात करते हैं कि कब प्लस रहेगा और कब माइनस रहेगा। तो जी प्लस कब आएगा, जब वस्तु नीचे की ओर गति करे, है ना, पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर गति करे प्लस। और माइनस कब आएगा, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे। जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, एग्जाम्पल्स की। हमें एग्जाम्पल अगर करना आ जाएगा तो हम मैं समझ लूंगा कि आपको तीनों समीकरण याद भी हो गए और इनको अप्लाई करना भी आपको आ चुका है, ठीक है ना। गति के तीन समीकरण है, तीनों आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए। कोई अगर नींद में पूछे ना गति के समीकरण, तो सीधे यही निकलने चाहिए मुंह से, ठीक है। तो वी बराबर यू प्लस ए टी एस इजिकल टू यू टी प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इस तरह से। और सारी चीजें पता होनी चाहिए, कहां क्या है। ये एस है, पता का मतलब है कि इनके जो सिंबल्स हैं उनके आपको पहचान भी आना बहुत जरूरी। अब हम देख एक उदाहरण देखते हैं। हमारी बुक में पेज नंबर आपको मिलेगा ये 109 पर, ठीक है। देखिए पेज नंबर 109 पर एक उदाहरण है कि विराम अवस्था से चल करके कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मतलब उसका प्रारंभिक वेग पता चल रहा है आपको, विराम अवस्था है, और टी समय समय दिया हुआ है वहां पर 10 मिनट, और वेग है उसका 72 किलोमीटर प्रति घंटे। पेज नंबर 109, उदाहरण नंबर 9.4। देखो फिजिक्स में बिना क्वेश्चंस के कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ना। पेज नंबर 109 पर है उदाहरण नंबर 9.4। रेलगाड़ी का त्वरण एक समान है, त्वरण समान दिया हुआ है उसमें। अब हमें क्या करना है, रेलगाड़ी में जो त्वरण है ना, वो त्वरण हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए वेग दिया हुआ है उसका 72 किलोमीटर प्रति घंटे, वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। इसके बाद समय दिया हुआ है 10 मिनट, समय 10। अब ये वेग कौन सा है, प्रारंभिक या अंतिम। ये है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग। मतलब वो पहले कैसी खड़ी थी, पहले कैसी थी, स्थिर। प्रारंभिक वेग है 0। तो v तो दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये देखो यहां पर यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हम एसआई यूनिट में आपको इसको लेके आना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आप जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, ऐसे कर लो, या फिर तरीके से कर लो, 72 गुना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, बटे 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 घंटे में 60 गुना 60 लिख दूं, या 3600 सेकेंड्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/18 ही आएगा, 2 जीरो से, 2 जीरो, 2 पंजे 10 और 18 दूनी 18 दूनी 36, तो 5/18, ठीक है। आप सॉल्व करो, 18 चौको 72 और 5 चौको 20, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो होगी वेग। अब हम बात करें टी की, समय कितना है, 10 मिनट। अब 10 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, तो 10 गुना 60 सेकेंड बराबर 600 सेकेंड। अब पूछा क्या है, त्वरण।
हमें पता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, पता है वेग में परिवर्तन जीरो, ठीक है इनिशियल उसका वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकंड बटे समय है 600 सेकंड, ठीक है हो गया। ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 600, ऊपर आएगा मीटर और नीचे आएगा सेकंड स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा, इतने मीटर एक सेकंड स्क्वायर समय में वो त्वरित हो जाएगी वस्तु, ठीक है। तो ये 109 पर 9.4 नंबर का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है इसी के अंदर, रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी पता करनी है आपको। इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी हमें उसकी पता करनी है, ठीक है। देखो हमारे पास त्वरण है, हमारे पास त्वरण है, त्वरण के साथ दूसरी चीज प्रारंभिक वेग हमें पता है, उस वेग तक पहुंच वो जो वेग है वो वेग हमें पता है। अब हमें पता करना है उसमें कि वो कितनी दूरी तय कर लेगी। देखो प्रश्न है इसके अंदर सेकंड, रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी, तो ये गति के तीसरे समीकरण से हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। और सेकंड, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है यहां तक सही है। ये जीरो है ही, U बराबर जीरो, तो V स्क्वायर बराबर 2AS और S पूछा है तो S बराबर V स्क्वायर अपॉन 2A। वेग का स्क्वायर बटे 2A हम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करें लो, वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 गुना 20 बटे 2 गुना 1/30 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 30 बटे 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके, ये है मीटर, ठीक है ना, दूरी है इसलिए मीटर, समय एस कैंसिल हो जाएगा वेग में से। पूरा लिखूं, ये लो पूरा लो, वही वी स्क्वायर वेग मीटर गुना मीटर, और सेकंड गुना सेकंड, ये तो हमने वेग का हो गया। अब 2A, ए होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो नीचे तो आएगा मीटर और ऊपर आएंगे सेकंड स्क्वायर, तो 2 सेकंड से 2 सेकंड, 1 मीटर से 1 मीटर, अकेला मीटर यहां पर बचेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरी गणनाओं को करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 3 × 6 और 3 × 0 6000 मीटर बराबर 6 किलोमीटर, ये लो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अब एक ग्राफ और बचता छोटा सा, फिर बल आ जाएगा। जब वस्तु असमान त्वरण से गतिशील हो, जब वस्तु असमान त्वरण से गतिशील हो, ये न्यू और आपके जो इस चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन हैं वो भी मैं यहां से आपको करवा दूंगा। ग्राफ कौन सा, वेग समय, स्थिति क्या है, जब वस्तु असमान त्वरण से गतिशील हो, जब वस्तु असमान त्वरण से गतिशील हो,
तो ग्राफ कौन कौन सा देखो, कैसा क्या क्या स्थिति हो सकती है। वेग, समय, टी एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। पहले वस्तु ऐसे लगातार बढ़ रहे था, एकदम से वस्तु में ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया। वेग लगातार बढ़ रहा है और वेग लगातार घट रहा है, ठीक है। यहां से मैंने समय मान लिया बीच में से T1 और इसका मान लिया मैंने T2, ठीक है। और यहां पर स्थिति है ये V। अब हमें पता करना है कि कब तो इस वस्तु में धनात्मक त्वरण है और कब इस वस्तु में ऋणात्मक त्वरण है, ये पता करना है। कब तो यहां पर धनात्मक त्वरण है और कब ऋणात्मक त्वरण है, बताइए। नहीं पता चल रहा? देखो यहां से यहां तक जो है ना, यहां से यहां तक ये ढाल दिख रहा है आपको, धनात्मक दिख रहा होगा। यहां पर वस्तु का वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरण कैसा है? धनात्मक। यहां वस्तु का वेग घट रहा है, इसलिए त्वरण कैसा है? ऋणात्मक, ठीक है। अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, समय तीन स्थिति बनाई मैंने, टी वन, टी टू, टी थ्री, यहां पर वेग। बताइए कब धनात्मक है, कब ऋणात्मक है और कब त्वरण यहां पर जीरो है, त्वरण शून्य भी है या नहीं, बताइए। अब आप स्थिति बना देता हूं, चलो ए बी सी और डी। तो यहां आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जब वेग बढ़ रहा है, देखो यहां से आप देख ले, इधर तरफ वेग बढ़ता है, उल्टा है तो वेग घटेगा। यहां पर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक, यहां पर त्वरण जीरो, कोई त्वरण नहीं, वेग समान है, यहां पर त्वरण हो जाएगा ऋणात्मक, नेगेटिव। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कहां पर त्वरण धनात्मक होगा, कहां ऋणात्मक होगा और कहां पर त्वरण नेगेटिव होगा। तो अभी हमने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया था, वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण हमने त्वरण निकाला था 1/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये कर लिया। थोड़ा सा एक मैं आइडिया सा आया था मेरे दिमाग में कि मैंने वो क्वेश्चन यहां पर मैंने जो उस द्वारा तय की दूरी वो निकाली, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्वेश्चन ये आया था कि इसी समीकरण से क्यों निकाली, इससे क्यों नहीं निकाली, इससे क्यों नहीं निकाली। देखो हम इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि समय हमें दिया हुआ है 600 सेकंड। हमने थोड़ी सी गणना बचाने के लिए और आपको तीसरे समीकरण के बारे में बताने के लिए इससे निकाला था, आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर वही आएंगे जो पहले आए थे, है ना। तो बीच में क्वेश्चन आ गया था कि इससे क्यों किया इसको थर्ड से, जबकि एस का तो सेकेंड है भाई, दूसरे समीकरण में ऐसे दे रखा ना, क्लियर। लेकिन यहां प्रारंभिक वेग की समस्या थी, हमारे पास प्रारंभिक वेग नहीं है, जीरो दे रखा है वहां पर, इसलिए हमने हम इसको छोड़, ये जीरो हो जाएगा, इसको जीरो होते यहां जैसे ही आप मान रखेंगे आंसर आपको वो ही मिलेगा जो इससे मिला था। लेकिन मैंने इसको यूज करके इसलिए बताया कि यहां पर हमें समय का यूज कहीं नहीं करना पड़ रहा है। उस प्रश्न में यह नहीं कहा गया कि उस वेग तक पहुंचने में वही समय उसने लिया है ना, ऐसा कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए हमने इसको यूज किया था। ये समस्या भी आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो ये हमारा यहां पर इस चैप्टर में से गति और वेग के बारे में जो बातें थी वो यहां कंप्लीट होती है। अब बात आती है हमारी अगली बल के बारे में कि बल क्या है।
तो देखो बल एक भौतिक राशि है, और वो कैसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करे। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है या तो वो वस्तु को गतिशील कर दे, स्थिर वस्तु को, या तो स्थिर वस्तु को गतिशील कर दे या फिर गतिशील वस्तु को स्थिर कर दे। इस चैप्टर का अगला पार्ट है फोर्स बल। देखो वह भौतिक राशि जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला दे, ठीक है, उसे हम बल कहेंगे। तो बल कहने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि उस वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आना चाहिए। वस्तु गतिशील है तो गति स्थिर हो जाए या रुक जाए धीरे धीरे, और स्थिर है तो गतिशील गति अवस्था में आ जाए। अब कई बार ऐसा भी होगा कि हम बल लगाएंगे लेकिन वस्तु गतिशील नहीं होगी। हमने बल नहीं लगाया भाई, मैं किसी वस्तु पर बल, कार खड़ी है आप अकेले उस पर बल लगा रहे हैं, या ट्रैक्टर खड़ा है आप उस पर बल लगा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो क्या आपने बल नहीं लगाया? या फिर कोई साइकिल जा रही है और आप उसको, मोटरसाइकिल जा रही है, आप जबरदस्ती उसको रोकना चाह रहे हैं, वो नहीं रोक रही, तो क्या आपने बल नहीं लगाया? तो क्या उसको हम बल नहीं कहेंगे? ये दो बातें आपको मैं छोड़ जा रहा हूं, आप इन पर चर्चा कीजिए, मनन कीजिए, क्या हमने बल लगाया नहीं लगाया? वस्तु में परिवर्तन तो आया नहीं अवस्था में, तो क्या हमने बल नहीं लगाया क्या? इस बात को, और जो गतिशील थी उसको रोकने की कोशिश करी पर वो रुकी नहीं, तो क्या हमने वहां पर भी बल नहीं लगाया? इन दोनों बातों की आप चर्चा करेंगे आपस में, है ना, लंच ब्रेक में, अभी नहीं, क्लास टाइम में नहीं करनी आपको, और आप अपने शिक्षक से भी चर्चा कर सकते हैं। फिर हम इस पर बात करेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।